भारत में पचपदरा थाना क्षेत्र के अंदर जोधपुर से आती हुई क्रेटा और जोधपुर की तरफ जाती हुई बोलेरो कैंपर गाड़ी थी, इनमें आपस में टक्कर हुई और क्रेटा गाड़ी उछल करके, क्योंकि वहाँ पे रोड करीब 10-12 फुट सड़क से ऊपर है, नीचे गिर गई। और सूचना पर जो पचपदरा थाना पुलिस है, हेड कॉन्स्टेबल का जाब्ता वहाँ पहुँचा, उसमें क्रेटा गाड़ी में जो एक व्यक्ति बैठा हुआ था उसका तो देहांत हो गया था ऑन द स्पॉट। इंजर्ड था, दोनों ड्राइवर इंजर्ड हो गए, जिनको ला कर के अस्पताल में, तीनों बॉडी और दो इंजर्ड को ला कर के भर्ती कराया गया। दोनों इंजर्ड का इलाज हुआ लेकिन उनकी ज़्यादा चोट नहीं थी, इस आधार पे उनको रात में रवाना कर दिया गया। और जो डेड बॉडी थी उसका सुबह पोस्टमार्टम हुआ, मॉर्चरी में रखवा दिया गया। गाड़ी उठाने के लिए जब पुलिस का जाब्ता पुनः रात में इस कार्रवाई के पश्चात 1.5-2 घंटे बाद मौके पर पहुंचा, तो उसमें से कुछ अमल की स्मेल आ रही थी क्रेटा गाड़ी में से। उसके महसूस होने पर जब वो गाड़ी ऊपर आई तो उसमें अफीम की क्वांटिटी पाई गई है, जिस पर डिप्टी SP बालोतरा को तुरंत फिर वहाँ भेजा गया। तो हमारी दो कार्रवाई हो गई, एक तो एक्सीडेंट का प्रकरण हो गया और एक NDPS की कार्रवाई है, जो कि 50 SP और SHO के नेतृत्व में जब्ती इत्यादि की कार्रवाई चल रही है। सर कितनी मात्रा में था अफीम? अब ये लगभग 2 से 2.5 किलो के बीच में उनको मौके पर। जो सर मृतक है बताया जा रहा है वो तस्कर था, ऐसा कोई मामला इसके ऊपर पहले ऐसा कुछ? नहीं, देखिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जब एक्सीडेंट हुआ तो वो आदमी है, वो तस्कर है तो बाद में पता लगता है। तो जो मरने वाला था और जो दो इंजर्ड थे, पुलिस ने अपना दायित्व निभाते हुए उनकी हॉस्पिटल पहुँचाना सब। ये बाद में मौके पे जब गाड़ी वैसे तो जब्त होकर थाने पे आती तो पता लगता है इसके अंदर कुछ है, लेकिन मेरे ख्याल से एक्सीडेंट हुआ तो इस वजह से कुछ टूट फूट हुई होगी, तो एक आध पैकेट कोई खुल गया, उस स्मेल से मौके पे ही पता लग गया कि अफीम की इसके अंदर है मटेरियल, जिस पर डिप्टी SP गया। तो अब वो उनका क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्या रिकॉर्ड है, वो हम तलाश रहे हैं। और वो नामजद है चूँकि उनके MLR वगैरह बने थे, तो वो NDPS की कार्रवाई बाड़मेर पुलिस के द्वारा और पचपदरा थाने के द्वारा CO बालोतरा के द्वारा।